ऊंचासी नगर में साथी बैठे हैं जिसको समाज को बड़ा लोग मानते हैं। आज हमारे बीच में साथी मनोज मंजिल अभियान में क्रांतिकारी इस्तकबाल का उनकी जमीनी लड़ाई को और पदाधिकारी तो उस मंच पर बैठे लोगों को इन्होंने सहारनपुर के नीले झंडे की लड़ाई और बिहार के लाल झंडे की लड़ाई को एक साथ खड़ा के एक मंच पर खड़ा किया। साथियों आज कुछ मीडिया में रिपोर्ट आई कि काफी छोटी रैली काफी कम लोग आए तो उन मीडिया वाले बता देना चाहते हैं कि साथियों स्ट्रगल संख्या से नहीं संघर्ष से किए जाते हैं। और आज बैठे मौजूदों कुर्सी बैठे मौजूदों के बात समझनी चाहिए कि अगर इस देश की जनसंख्या इस देश का दलित पिछड़ा गद्दे बिठा सकता है तो उठा भी सकता है। बात समझनी पड़ेगी मोदी जी को। और इस देश में जो जंगलों को मारा गया जुनैद को मारा गया अखलाक को मारा गया आज देश में ऐसे हालात है कि मुसलमानों को सड़कों पर जाने से पत्थर से लुट किया जाता है उनको कोई भी आगे मार देता है। वही हालात दलितों में है। शब्बीर को दलितों घर जलाए गए मित्र को घर जलाए गए थे बुलाने को दलितों बलात्कार किया गया। आज इस समाज में दो राजनीति है एक मारने की एक मरने वालों की। आज हम इस मन से तीसरी राजनीति को पैदा कर रहे हैं वह लड़ने वालों की। और साथियों इस राजनीति से देखिए अगर हम लोग आज मंच पे खड़े हैं तो इस मंच पर आज इसलिए खड़े हैं ताकि एक मैसेज दे सके। यहां से हम केवल भाषण देने के लिए खड़े हैं। आज इस समाज को इस सरकार को हम यह बताने के लिए खड़े हैं कि देश का युवा इस मंच पे एक साथ एक आवाज में लड़ने को तैयार है। आज ओबीसी फोरम से लेके कन्हैया जिग्नेश विनय रतन अखिल गोगोई साथी मनोज मंजिल शहला तमाम लोग मंच पे खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह लड़ाई एक साथ एक आवाज में लड़ी जाएगी। ये पिछले 70 सालों में दलितों को अगर कुछ मिला इस देश से इन सरकारों के गुलामी मिली है। आप ये बताए जितने दलित उत्पीड़न के केस है चाहे वो शब्बीरपुर का केस हो चाहे भीमा कोरेगांव का केस हो चाहे मिर्जपुर का केस हो भदाना केस हो किसको न्याय मिला ये सवाल इस देश के दलितों और देश की सरकारों से। भदाना में दलितों को मारने के बाद वहीं के दलितों पर देश जरूर लगा दिया गया ये देश के हालात है। साथियों देखिए जब जेएनयू मूवमेंट चला था तो तमाम जेएनयू के लोगों को स्कूल लीडर्स को देशद्रोही बना दिया गया था जिसमें अधिकतर लोग जो आते थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे चाहे वो कन्हैया हो चाहे उमर खालिद हो चाहे रामा नागा हो। तो आज जरूरत है कि तमाम समाज के लोग इस सरकार को एक आवाज में एक बात कहे कि सती शकर का रिहा करो वो भी एक ही बात बोले कि जनता से बात जरूर पूछना जनता से बात जरूर पूछना कि लड़ाई लड़नी है लड़ाई हारनी है तो आप बताइए लड़ाई लड़नी है लड़ाई हारनी है बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बहुत सारे वक्ताओं भी हैं कन्हैया बचे हैं जीने से बचे हुए और क्या बोलते हैं विनय भाई बचे हुए वो भी बचे हुए और एंड में विशेष इस्तेमाल करते हो हमारे नए चुने विधायक अखिल और जिग्नेश मेवानी का अखिल का बने रहने का साथ में जय भीम आप सबका मौजूदगी का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ।